इस वक्त की खबर आपको बता दें कि सीडीओ ने बीएसए दफ्तर का औचक निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण में बाबुओं से खूब सवाल जवाब पूछे गए हैं और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता संदीप शर्मा के साथ। जी संदीप, निरीक्षण में क्या अनियमितताएं पाई गई हैं? देखिए, इन दिनों शासन के निर्देश पर तमाम जो कार्यालय हैं, सरकारी जो संस्थान है, वहाँ पर जो है निरीक्षण जो है अधिकारियों का, आला अधिकारियों का जो है जारी है। विगत दिनों सीडीओ ने जो है आरटीओ कार्यालय का भी निरीक्षण किया था, वहाँ भी तमाम अनियमितताएं जो है देखने को मिली थी। उसके बाद उन्होंने जो संबंधित जो पटल सहायक हैं, बाबू हैं, उनको जो है फटकार लगाई थी। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो आज भी जो है जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने जो है डीआईएस कार्यालय का जो है निरीक्षण किया। वहीं सीडीओ ने भी जो है आज बीएसए कार्यालय का निरीक्षण किया है। वहां जो है पटल जो संबंधित जो बाबू जो कामकाज देख रहे थे उनसे जो है पूछताछ की गई। रजिस्टर वहां का चेक किया गया, जो रजिस्टर एक मेंटेन होता है कार्यालय में उसको भी चेक किया गया। वहीं कहीं अगर बात की जाए तो तमाम अनियमितताएं वहां देखने को मिली थी, तो उन पर भी जो है जो संबंधित जो पटल सहायक हैं उनको जो है फटकार लगाई गई है। व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं। तो जिस तरीके से जो आज का जो निरीक्षण चाहे जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी का, चाहे डीआईएस कार्यालय का रहा हो, चाहे सीडीओ प्रतिभा सिंह का बीएसए कार्यालय का रहा, तो जिस तरीके से औचक निरीक्षण आज जो रहा है वो कहीं ना कहीं एक जिस कह सकते हैं कि निरीक्षण के दौरान वहाँ जो स्थिति है एक हड़कंप मच गया था। जी संदीप, और किस प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी? देखिए, तमाम सारी जो शिकायतें पूर्व में भी जो है देख सामने आई है कि जो पटल सहायक जो बाबू हैं वो पिछले लंबे समय से एक ही स्थान पर जो है जमे हुए हैं। इस तरीके की तमाम शिकायतें जो है सीडीओ कार्यालय में पहुंची थी। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके से शासन के निर्देश पर इस समय जो कहा जा सकता है कि जो औचक निरीक्षण जो करने के जो निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं, उसी के तहत आज जो है सीडीओ ने जो है बेसिक शिक्षा कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने डीआईओएस कार्यालय का आज औचक निरीक्षण किया है। तो तमाम सारी अनियमितताएं वहां देखी गई, क्योंकि एक ही तमाम चीजें ऐसी हैं कि लंबे समय से जो पटल सहायक हैं, जो बाबू हैं, वो एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। तो उन्होंने जो अटैचमेंट की जो प्रक्रिया जो लोकल स्तर पर यहाँ जो चल रही थी उस पर भी जो है संज्ञान लिया है, और जिनका कार्यकाल पटल सहायकों का जो पूरा हो गया है उस पर जो है आगे की जो है रणनीति उनकी ओर से तैयार की जा रही है। तो वहीं कुछ अनियमितताएं जो है जो उनको वहां देखने को मिली, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो रिपोर्ट को मेंटेन रखा जा रहा है कि नहीं, इस तरीके की तमाम चीजें वहां देखने को मिली, तो उस पर जो है उनको फटकार भी लगाई गई है और व्यवस्थाओं में जल्द ही सुधार करने के आदेश भी दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका जानकारी देने के लिए। एक बार आपको फिर से बता दें कि सीडीओ ने बीएसए दफ्तर का औचक निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण में बाबुओं से खूब सवाल जवाब भी किए हैं। सीडीओ ने लेखा ऑफिस का भी निरीक्षण किया है। सीडीओ के औचक निरीक्षण से कार्यालय में हड़कंप मच गया है। सीडीओ को काफी समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी।